नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कविया। एक तरफ सरकार तमाम कोशिशें करती है, तमाम वायदे करती है, दावे करती है कि प्रदेश में बेटियों को सुरक्षित माहौल दिया जाएगा, प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी अभियान जो है वो सफल हो रहा है, लेकिन आखिरकार जमीनी स्तर पर इसका असर कितना हो रहा है ये दिखाएंगे आज हम इस खास पेशकश में। इस सोच का शर्तिया इलाज आखिरकार कब होगा? ताजा मामला छछरौली का है, जहां पर एक गांव में फर्जी डॉक्टर पाया जाता है और ये एक ऐसा डॉक्टर है जो इस बात को कहता है कि आपका बेटा ही पैदा होगा। अब आखिरकार समाज की सोच क्या है और कब तक ऐसे ही बेटियों को कोख में लोग मारते रहेंगे? हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी लड़ाई में से एक लड़ाई है बेटियों को बचाने की, उनका भविष्य संवारने की, हरियाणा से लाडो की हत्या का कलंक मिटाने की। लेकिन सरकार की यह लड़ाई कितनी बड़ी है, कितनी मुश्किल है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर गली हर नुक्कड़ पर बेटियों के हत्यारे बैठे हैं। कोई तंत्र मंत्र से बेटियों का अस्तित्व मिटाने का दावा करता है तो कोई बिना डिग्री के ही बेटियों की हत्या का साइंटिफिक तरीका बता रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें छछरौली की हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के छापे से ऐसे खुलासे हुए जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। छछरौली में स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा। छापेमारी के दौरान रंगे हाथों पकड़ा गया झोला छाप डॉक्टर, बिना डिग्री के करता था इलाज, बेटा पैदा होने की देता था शर्तिया इलाज। झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक से दो किट बरामद। ऐसे में सवाल सरकार के साथ समाज की सोच पर भी उठ रहे हैं। कब तक हर गली में मिलेंगे बेटियों के हत्यारे? बेटियों के प्रति कब बदलेगी सोच? कब तक धोखेबाजों के फरेब में फंसेंगे लोग? कब तक झोला छाप डॉक्टर जिंदगी से करेंगे खिलवाड़? कब होगा घिनौनी सच का शर्तिया इलाज? हरियाणा लाडो को लाड जताने के मामले में शुरू से ही बदनाम रहा है। हालांकि हाल ही में सरकार की कोशिशें कुछ रंग जरूर लाई हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या बेटियों को बचाने का सारा दारोमदार सिर्फ सरकार पर है? क्या लोगों की बेटे वाली सोच ने हर गली हर नुक्कड़ पर बेटियों के हत्यारों को जन्म नहीं दिया? ये सवाल सबसे बड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने छछरौली के इस गांव में कैसे एक फर्जी डॉक्टर शर्तिया इलाज करता है और कहता है कि आपका बेटा ही पैदा होगा। अब कई सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सरकार कोशिशें कर रही है और सरकार का ये भी कहना है कि कोशिशें रंग ला रही है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर आंकड़े पहले बहुत चौंकाने वाले थे, लेकिन अब आंकड़े कुछ बेहतर हुए हैं। लेकिन ऐसे इलाकों का आखिरकार कैसे सरकार निपटारा कर पाएगी और कैसे आखिरकार ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर जो है नकेल कस पाएगी? बार बार सवाल उठते हैं समाज की सोच पर भी, क्योंकि समाज की सोच परिवर्तित नहीं हो पा रही है बेटियों को लेकर, और यही वजह है कि एक के बाद एक ऐसे फर्जी डॉक्टर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इन पर नकेल कैसे कसी जा पाएगी? क्या सरकार और प्रशासन फेल हो रहा है? क्या जो जमीनी स्तर पर सच्चाई है वो अभी भी प्रशासन को नहीं मालूम चल पा रही है? हालांकि ये भी बात है कि स्वास्थ्य विभाग जगह जगह छापेमारी करता है और छापेमारी के बाद ऐसी फर्जी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया जाता है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर ये डॉक्टर्स कहते हैं कि यहां पर शर्तिया इलाज होगा, तो कोई इसका
साइंटिफिक रीजन भी बताता है, लेकिन कई बड़े सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैसे निपटाया जा सकता है इन सबको और कैसे समाज में बेटियों को बचाया जा सकता है। एक बड़ी मुहिम के तहत इसको शुरू किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुहिम पूरी तरह से सफल आखिरकार क्यों नहीं हो पा रही। संवाददाता की तरफ रुख कर लेते हैं, हमारे साथ सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है इस डॉक्टर के खिलाफ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है स्वास्थ्य विभाग को ये सूचना मिली थी और उन्होंने एक टीम के साथ जो है रेड की वहां पर मौके से, जो पीएनडीटी के तहत जो मौके से वहां दवाइयां भी बरामद हुई और कुछ औजार भी बरामद हुए, जिसके तहत डॉक्टर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जो कार्रवाई है पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि उसको जल्द ही कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की हालांकि समय समय पर छापेमारी होती है, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए जो कोख के कातिल है, चाहे वो हरियाणा यूपी के बॉर्डर पर हरियाणा के लोगों को वहां ले जाकर अगर अबॉर्शन की बात की जाए या यमुनानगर के अंदर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इतनी सारी रेड होने के बावजूद भी ये मामले जो है वो कम होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने जिक्र किया कि ये मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे, थम नहीं रहे हैं। अब इसमें स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, पहले से यहाँ पर सब कुछ सोचा गया होगा कि यहाँ पर इतने केसेस सामने आ रहे हैं। और एक और हैरानी की बात है कि इस डॉक्टर के पास ना तो दस्तावेज है, ना कोई सर्टिफिकेट है, ना जाने ऐसे कितने डॉक्टर्स होंगे इस इलाके में। जी बिल्कुल, अगर जिस तरीके की ये मामला सामने आया जिसमें कि डॉक्टर के पास ना ही कोई डिग्री और ना ही कोई दस्तावेज, एक डॉक्टर के पास अमूमन होनी चाहिए जिसे हम मेडिकल डिग्री कहते हैं, इसी तरीके के अगर बात की जाए पहले भी जो कई मामले स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के दौरान सामने आए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इतनी महीन चलाने के बावजूद भी, चाहे वो यमुनानगर जिले की बात की जाए या आसपास के पड़ोसी जिलों की बात की जाए, इस तरीके के मामले सामने का नाम नहीं ले रहे। चाहे वो एक घर के अंदर दवाइयां बेचने का सिलसिला हो, प्रेगनेंसी किट बेचने की बात हो, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन फिर भी जो ये लोग हैं इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि बिना डिग्री के भी आप देख सकते हैं। सुमित, इसके पीछे की वजह क्या है? आपने कहा कार्रवाई तो होती है, क्या वो कार्रवाई कड़ी नहीं हो पाती? क्या ये लोग छूट जाते हैं इस वजह से, जो एक डर होना चाहिए वो नहीं हो पाता ऐसे फर्जी डॉक्टर्स में? बिल्कुल, अगर इसमें देखने सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि जब भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा छापेमारी की जाती है या मौके से जो ग्राहक जो समय, चाहे वो डिकॉय बनाकर भेजा जाता है या उसके अलावा जो कहीं और गर्भपात के लिए महिलाओं को ले जाकर, जिस तरीके से पिछले कुछ समय पहले अंबाला से एक गैंग बनाया गया था जिसमें कि वो महिलाओं को, 5-7 महिलाओं को इकट्ठा करने के बाद उन्हें अबॉर्शन के लिए यूपी बॉर्डर पर ले जाया जाता था हरियाणा के बाद, तो यमुनानगर में वो छापेमारी के दौरान पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं सबूतों के अभाव के कारण भी ये लोग छूटते हैं और उसके बावजूद जो है फिर से ये काम जो शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग को और कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि वो सबूतों के अभाव में ऐसे जो कोख के कातिल हैं वो ना बच पाए और जो लोग हैं उनको भी इस बात का सबक मिले कि ये एक जो है एक जुर्म है जिसको, एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को आगे बढ़ा रही है, बेटियों को पढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन वही ये जो कोख के कातिल है कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो है बेटियों को मारने का जो बिल्कुल काम, लेकिन सुमित आपने कहा कि हमेशा ऐसा होता है अक्सर कि सबूतों का अभाव रह जाता है और इसी वजह से कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ, लेकिन वो सबूत क्यों नहीं मिल पाते? क्या कोई आगे नहीं आता और कुछ जो चश्मदीद होते हैं वो नहीं आगे आते, या खुद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम जब गठित होती है तो वो खुद भी ऐसे लोगों को आगे भेजती है ताकि रंगे हाथों उनको गिरफ्तार किया जा सके? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए क्योंकि सबूतों के अभाव की बात की जाए या उनके ज्यादातर केसों में ये देखा जाता है कि जो ऐसे डॉक्टर पकड़े जाते हैं तो बहुत जल्दी उनकी जमानत हो जाती है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अगर और ज्यादा जो है प्रभावित बनाई जाए ताकि जिससे अगर एक को सजा मिले तो दूसरा अगर कोई ऐसा काम करने का सोचता है तो उसके एक बार मन में ये बात आनी चाहिए कि ये अपराध है, तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि समाज की अगर बात की जाए ज्यादातर जो गाँव का एरिया है, जो गाँव के क्षेत्र है, वहां पर इस तरीके के झोला छाप डॉक्टर जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं होते उन्हें पकड़ा जाता है, वहां से पीएनडीटी की रेड की जाती है, प्रेगनेंसी किट्स भी बरामद होती हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर एक जगह रेड होने पर या तो कई बार इस चीज की सूचना पहले मिल जाती है और छापेमारी भी नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति भी जरूर पैदा होती है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं ये जरूर कहना होगा कि स्वास्थ्य विभाग जो एक कार्रवाई कर रहा है उससे कहीं ना कहीं इनके अंदर खौफ जरूर पैदा होगा जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। जी सुमित, छछरौली की हम बात करें तो छछरौली में कैसा आंकड़ा है, लड़के और लड़कियों का रेशियो यहाँ पर किस तरह का है, और खासकर जब से अभियान की शुरुआत हुई है उसके बाद क्या सुधार आ पाया है? क्योंकि कई हमने जिले पिछले दिनों देखे थे उनके आंकड़ों में सुधार जरूर आया था। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जो छछरौली का एरिया है ग्रामीण इलाका पड़ता है, काफी गाँव को जोड़ता है,
और अगर यहाँ बात की जाए, जब से ये मुहिम चली है, इस मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चली है, और भी अगर समाज के कोई अन्य पहलू के लोग भी, जो औरतें पढ़ी लिखी औरतें भी, ग्रामीण औरतें भी इस चीज को लेकर जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इस चीज का जो प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाता है कि जब रेड पड़ती है या किसी व्यक्ति से जो पूछा जाता है तो उनका ये कहना होता है अक्सर कि हमारे पास 3 बेटियां हैं इसलिए हम अबॉर्शन कराएं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो कार्रवाई कर रहा है आमजन को भी जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल, और समाज पर भी कई सवाल खड़े कर देता है। सुमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीपक भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव है आईएमए की तरफ से। दीपक भाटिया जी, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। दीपक भाटिया जी, कैसे हम इन सब चीजों को सुधारेंगे? अभियान चलाए जा रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी ग्रास रूट लेवल पर काम नहीं होता हुआ नजर आ रहा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात कई बार बोल चुका हूँ, और जब पिछले 10 सालों से हम स्वास्थ्य विभाग को भी ये बात बोल चुके हैं, गवर्नमेंट को भी ये बोल चुके हैं कि पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे एनसीआर में, हरियाणा के साथ साथ पूरे एनसीआर में ये फर्जी डॉक्टरों की बिल्कुल मशरूमिंग हो रही है। उनके उन्होंने हॉस्पिटल खोला है, किसी को पता नहीं चलता है कि ये फर्जी डॉक्टर है या क्वालिफाइड डॉक्टर है, और ये उल्टे सीधे ट्रीटमेंट करते हैं, उल्टे सीधे दवाइयां देते हैं, और इस तरह की ये लड़का लड़की के लिए दवाइयां देते हैं। आप देखिए क्या कर रहे हैं ये, कौन सी दवाई ऐसी है? दीपक भाटिया जी, कहां पर कमी कहां पर है? अगर ऐसे फर्जी गिरोह चल रहे हैं, कमी कहां पर है? क्या प्रशासन की भी कमी है यहां पर? पिछले 10 सालों से हम इस चीज को उठा रहे हैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने कई बार इस बात को उठाया है कि स्वास्थ्य विभाग को ये। दीपक जी, मैं आपके पास आऊंगी फिर से, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं बड़ी खबर का सोनीपत से। मूर्थल में महिलाओं से जाट आंदोलन के दौरान रेप मामले को लेकर बड़ी खबर। मामले में जांच कमेटी की टीम पहुंच चुकी है मूर्थल में। जी हाँ, जांच कमेटी पहुंच चुकी है। इससे पहले एसआईटी का गठन किया गया था, डीआईजी डॉक्टर राजश्री महिला डीएसपी के साथ वहां पहुंचे हैं और जांच टीम ने मौके का जायजा लिया है। जी हाँ, मूर्थल में महिलाओं से जाट आंदोलन को के दौरान जो है कथित तौर पर यह रेप का मामला सामने आया था, और उसके बाद मामले में जांच कमेटी बनाई गई, और जो जांच कमेटी बनाई गई है वो दरअसल अब मूर्थल में पहुंच चुकी है। इसमें डीआईजी डॉक्टर राजश्री महिला डीएसपी भी पहुंची है और जांच टीम ने मौके का जायजा किया है। तो यह खबर सोनीपत के मूर्थल से है, जहां पर महिलाओं के साथ, जी हाँ, जाट आंदोलन के दौरान जब वो इतना हिंसक हो चुका था, उसके बाद लगातार खबरें आ रही हैं कि कुछ महिलाओं के साथ, तकरीबन 10 महिलाओं के साथ गैंग रेप किया गया, और अब उसी को लेकर सरकार जागी। एसआईटी का गठन किया गया, जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी पहुंच चुकी है, मौके का जायजा लिया जा रहा है। इससे पहले भी लगातार अधिकारियों के वहां पर जाने का सिलसिला चल रहा है। डीएसपी के साथ मूर्थल में पहुंची है डीआईजी डॉक्टर राजश्री। जांच कमेटी ने मौके का जो है जायजा लिया है, टीम ने, जांच टीम जो है, अब यही देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ चीजें स्पष्ट हो पाती हैं। तो ये बड़ी खबर सोनीपत के मूर्थल से, जहां पर बार बार इस तरीके की खबरें आ रही है। हालांकि कई बार ऐसे एलिगेशन भी लगे पुलिस पर भी कि पुलिस ने खुद इस मामले को दबाने की कोशिश की है, और उसी चीज को लेकर अब खुद जांच टीम भी बना दी गई है। रुक करते हैं संवाददाता की तरफ, अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, मौके का जायजा लिया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? और बिल्कुल, देखिए, सरकार की तरफ से जो एक जांच दल बनाया गया, जो आईपीएस राजश्री के अध्यक्षता में जांच दल है, वो पूरी की पूरी टीम फिलहाल मूर्थल पहुंच रही है। पूरे के पूरे जो इलाके है इसका मुआयना यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि लगातार सरकार पर भी काफी दबाव है, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो मूर्थल गैंगरेप की जो बात है लगातार सामने आ रही है, लगातार चश्मदीद सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई विक्टिम सामने नहीं आया, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मीडिया ट्रायल चल रहा है, हाईकोर्ट ने भी कड़ा संज्ञान इन मामलों पर लिया। इसी को लेके सरकार ने एक जांच दल बनाया, 3 सदस्य वो फिलहाल मूर्थल पहुंच चुका और लगातार लोगों से पूछताछ कर रहा है। जो डीआईजी राजश्री है वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर किसी पीड़ित के साथ किसी बलात्कार की घटना हुई हो, किसी छेड़छाड़ की घटना हुई हो, वो उसी नंबर से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, इसके अलावा जो 2 डीएसपी इस टीम में शामिल है उनके नंबर भी यहाँ पर जारी किए गए, ताकि जो विक्टिम है वो इंसाफ मिल सके। जी जी, इसके अलावा अनिल, हमने देखा था कि कुछ नंबरों को भी लिया गया और खुद हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। अब यही वजह है कि फटाफट से कार्रवाई की जा रही है, फटाफट से जांच कमेटी जा रही है, पूरे मौके का जायजा लिया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया संवाददाता, ऐसा लगता है संपर्क टूट गया।
तो बता दें ये बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है, जहां पर मूर्छल में महिलाओं से जाट आंदोलन के दौरान रेप मामले को लेकर अब जांच कमेटी पहुंच चुकी है। मौके का जायजा लिया जा रहा है। मामले में जो जांच कमेटी बनाई गई थी वो मूर्छल में पहुंची है। और सबसे अहम बात कि खुद अब डीआईजी डॉक्टर राजश्री महिला डीएसपी के साथ मूर्छल में पहुंची है, जो कि मौके का जायजा ले रही है। दरअसल पूरा मामला जाट आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जाट आंदोलन के बाद जितनी हिंसाएं हुई, जितना हिंसक रूप देखने को मिला, उसके बाद कहा यह जा रहा था कि मूर्थल में कुछ महिलाओं के साथ उपद्रवियों ने छेड़छाड़ की। तकरीबन 30 उपद्रवी बताए जा रहे थे जिन्होंने छेड़छाड़ की और उनके साथ रेप किया गया। हालांकि उसके बाद सरकार की नींद जागी, प्रशासन की नींद जागी और अब बार बार जांच की बात की जा रही है। एसआईटी का गठन पहले ही किया जा चुका है और अब मौके का जायजा लेने के लिए खुद डीआईजी पहुंची। और इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ नंबर्स भी बार बार फ्लैश किए जा रहे हैं। सरकार ने कुछ नंबर दिए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इस मामले पर आगे आता है तो वो अपनी बात बता सकता है। संवाददाता हमारे साथ अनिल मोड़ जुड़ चुके हैं। अनिल, आप जानकारी दे रहे थे, मेरा सवाल आपसे ये था, इससे पहले हम देख रहे हैं कि अब सरकार और प्रशासन बहुत तत्कालीन तरीके से कार्रवाई कर रहा है, चाहे एसआईटी के गठन की बात की जाए या फिर इस पूरे केस में जांच की बात की जाए। बिल्कुल, जो शुरुआती जांच के बाद के शुरुआत की तरफ से सरकार ने पूरा का पूरा मामला मीडिया में आया। मीडिया में आने के बाद सरकार ने दो सीनियर एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारियों को मौके का मुआयना करने के लिए भेजा था। कहीं ना कहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इस तरह की कोई घटना की पुष्टि नहीं होती कि यहाँ पर किसी तरह का रेप या किसी तरह का छेड़छाड़ की घटना हुई। हालांकि मामला मीडिया ने पूरा तूल पकड़ा, उसके बाद से हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान पूरे के पूरे मामले पर लिया था। उसके बाद से कहना कि सरकार बैकफुट पर है। सरकार ने भी पूरा का पूरा मामला तूल होने के बाद से कल एक जांच दल बनाया। सरकार की भी कोशिश है की जो दूर का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें उठ रही है की मूर्छल में कई महिलाओं से गैंगरेप हो रहा। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का पीड़ित सामने नहीं आया कि जिसने इस तरह के आरोप लगाए। हालांकि स्टेशन कई सामने आ चुके हैं, वहां पर कई तरह के आपत्तिजनक कपड़े भी वहां पर मिले, जिनकी जांच की जिनको जांच के लिए फोरेंसिक लैब के लिए भेज दिया गया है। जी अनिल, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शुक्रिया अनिल आपका जानकारी देने के लिए। तो अब मामले में आपको बता दें कि जांच कमेटी पहुंच चुकी है, मौके का जायजा लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई भी पीड़ित अभी तक आगे नहीं आ पाया है। नंबरों को भी भेजा गया है ताकि कोई भी, खुद जब हाईकोर्ट ने कहा कि कोई डरे नहीं, नंबर दिए गए हैं और सीधा वो इस नंबर पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, सामने आ सकते हैं। तो इस मामले को लेकर सरकार और प्रशासन अब अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जांच कमेटी जांच की बात कह रही है। इधर खुद हरियाणा ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी इस केस को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो सोनीपत से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मूर्छल में महिलाओं से जाट आंदोलन के दौरान रेप के मामले को लेकर जांच कमेटी मूर्छल में पहुंच चुकी है। खुद डीआईजी डॉक्टर राजश्री महिला डीएसपी के साथ वो पहुंची हैं। जांच टीम ने मौके का जायजा भी लिया है। बड़ी खबर इस वक्त सोनीपत से। तो बता दें आपको, इस पूरे मामले को लेकर लगातार नए नए पेज सामने आ रहे हैं और अभी ये मामला खुद हाईकोर्ट के संज्ञान में है। उसके बाद मामले को संज्ञान में सरकार ने भी लिया, नंबर जारी किए गए, जांच कमेटी का गठन किया गया और कहा गया कि अगर कोई भी ऐसा मामला सामने आता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और तब से ही ये मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है। तो सोनीपत के मूर्छल में जाट आंदोलन के दौरान रेप के मामले को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर मौके का जायजा करने के लिए जांच टीम पहुंच चुकी है। तो सोनीपत से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डीआईजी डॉक्टर राजश्री महिला डीएसपी के साथ मौके पर पहुंची है। तो आपको पूरे मामले की अगर जानकारी दें तो जाट आंदोलन के दौरान मूर्छल में ये कहा गया कि कुछ उपद्रवियों ने महिलाओं को गाड़ियों से खींचकर उनके साथ छेड़छाड़ की, उनके साथ रेप किया गया। हालांकि उसके बाद
जब ये अखबार में खबर पब्लिश हुई उसके बाद से लगातार ये मामला पेचीदा होता गया। सरकार ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया और उसके बाद कहा जा रहा है कि खुद एसआईटी का गठन किया गया, जांच कमेटी ही जांच करेगी। और दूसरी तरफ हरियाणा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन भी इस पूरे केस को लेकर नजर बनाए हुए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो ये अपने आप में बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। हालांकि सवाल सरकार में भी उठे कि जब खबर छपी, जब प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर इतनी तूल पकड़ी, उसके बाद ही सरकार की नींद क्यों जागी, उससे पहले कोई जांच की बात नहीं की गई थी। और इसी वजह से अब कहा यह जा रहा है कि जांच कमेटी खुद इस पूरे केस पर नजर बनाए हुए है, जांच की जाएगी और उसके बाद पता चल पाएगा। हालांकि एक और बात उसमें अहम है कि अभी तक कोई भी पीड़ित इस पर सामने नहीं आया है। नंबरों को जारी किया गया है, कुछ टेलीफोन नंबर जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी महिला ऐसी किसी स्थिति से गुजरी है तो वो संपर्क कर सकती है, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा जो पीड़ित है वो नजर नहीं आया, नहीं सामने आया। और पुलिस पर कई आरोप लगे इस पूरे केस के दौरान, पुलिस पर इस तरीके के आरोप भी लगे कि पुलिस ने इस पूरे केस को दबाने की कोशिश की है। जो पीड़ित पक्ष है उसको कहा गया कि आप चुप ही रहिए, इसी वजह से मामला और ज्यादा हाईलाइट हुआ, पुलिस पर कई सवाल उठे। हालांकि पुलिस से कह रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हिंसक जरूर हुआ था, मारपीट जरूर की गई थी, लेकिन रेप जैसा कोई मामला सामने नहीं आया और इसी वजह से जांच कमेटी हो चुकी है गठित। और अब खुद जो डीआईजी हैं वो मौके स्थल पर पहुंच चुकी हैं, मौके का जायजा कर रही हैं, जांच कमेटी वहां पर पहुंची है, क्या कुछ हालात वहां पर होते हैं, जांच के बाद क्या कुछ स्थिति निकलकर सामने आती है ये जरूर देखना होगा। तो जाट आंदोलन के बाद एक और तस्वीर ये सामने आई जहां पर एक भयावह स्थिति नजर आई कि हिंसक कार्रवाई के बाद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई, उनके साथ दुष्कर्म किया गया। पुष्टि अभी तक इस बात की नहीं हो पाई है, लेकिन जांच कमेटी जांच कर रही है। अभी तो इंक्वायरी करना बाकी है ना, इन्वेस्टिगेशन अभी एज सच इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुई अभी। सीन ऑफ क्राइम का जो हम देख रहे हैं उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, हम निकालेंगे, गांव वालों से बातचीत करेंगे। जो आई विटनेस है वो सामने आए हमारे, हम उनका नाम कोई डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उनको कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, ये रेस्ट अश्योर्ड। और उसके बाद जो है जो कुछ निकल के आएगा वो सब आपसे। तो सुना आपने, खुद जांच कमेटी जब वहां पर पहुंची उनकी तरफ से क्या कहा गया। सीधा रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक और बड़ी खबर इस वक्त रोहतक से आ रही है, प्रोफेसर वीरेंद्र को जांच में शामिल होने का नोटिस भेजा जा चुका है। रोहतक के आईजी संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है। रोहतक से बड़ी खबर, कानून के तहत प्रोफेसर वीरेंद्र पर कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं संवाददाता की तरफ, हर्षवर्धन हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अहम बातें निकल कर सामने आई। देखिए पूजा, आपको बता दें कि जिस तरीके से संजय राय ने जैसे ही रोहतक के आईजी का कार्यभार संभाला उसके बाद वो पत्रकारों से रूबरू हुए थे, तो जैसे ही पत्रकारों ने वीरेंद्र सिंह के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि दो दिन के लिए जो है नोटिस दे दी गई वीरेंद्र सिंह को कि जांच में वो शामिल हो, वरना जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर फिलहाल जो है वो जांच में शामिल नहीं होते हैं तो पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, लेकिन अगर वो जांच में सहयोग देते हैं तो पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। फिलहाल की बात की जाए तो साफ तौर पर कहना है नए आईजी का, संजय राय जी का, कि वो ये कह रहे हैं कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जानकारी देने के लिए। तो कानून के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो खास खबर में आज हमने मुद्दा उठाया बेटियों को बचाने का, जिसके अभियान को लेकर बार बार बात की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं समाज की सोच की वजह से तो कहीं प्रशासन की वजह से ये अभियान पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।